हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 67th BPSC के लेकर जो डेट की जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि 7 मई को जो एग्ज़ाम होगा, अब है जो BPSC दोस्तों उसको है जो क्लियर कर दिया है। दोस्तों, अब जो है आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम है। दोस्तों, कल जो पेपर हिंदुस्तान में आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग 67th संयुक्त सिविल प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी करेगा। आयोग अमूमन 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। परीक्षा का आयोजन 7 मई को BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब है जो ये क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम है जो आपका 7 मई को 100% होगा, और आप है जो अपनी तैयारी को और तेज़ धार दें। पढ़ने के क्रम में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट्स है कि आप 3 पार्ट पे जरूर ध्यान दें। फर्स्ट है जो करंट अफेयर्स, जो आपका 35 से 40 क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, 5 क्वेश्चंस है जो आपके बिहार से या बजट से रिलेटेड है जो उसमें ऐड कर दिया जाता है, और जो बाकी जो 5 क्वेश्चंस है जो हिस्ट्री के पार्ट हो या किसी भी पार्ट में उड़ जाकर है जो करंट अफेयर्स में है जो जुड़ जाता है। तो 35 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि 35 क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं। दूसरी बात है कि दोस्तों आपका बिहार हिस्ट्री और प्लस जो अपना जो रेगुलर हिस्ट्री है उस पार्ट से भी है जो क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बिहार में जहाँ तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो है जो आपका जैन बौद्ध से ज़रूर होगा एक क्वेश्चन, फिर आप आगे बढ़िएगा तो कर्नाट वंश हो जाएगा, फिर पाल वंश हो जाएगा, पाल वंश के बाद कर्नाट वंश हो जाएगा, फिर है जो अकबर का काल है, फिर आगे है जो यूरोपीय जो कंपनी आती है उससे क्वेश्चन है, फिर है जो स्वतंत्रता संग्राम से जो क्वेश्चन है उससे बनते हैं, तो क्वेश्चन है जो किसान आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको है जो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। रेगुलर में आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा कवर कीजिए, 1600 से यूरोपीय आगमन से लेकर 1947 तक, ये है जो आपका। पॉलिटी है जो दोस्तों 15 से 18 क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत ही डिसाइडिंग रहते हैं दोस्तों, 15 से 18 क्वेश्चन है, ये है जो क्वेश्चन अब कंसेप्चुअल पूछने लगे हैं, तो इस पर भी है जो आप है जो ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि जो साइंस का जो 25 क्वेश्चन जो रहते हैं, 25 से 28 क्वेश्चन, इसमें है जो दोस्तों बायोलॉजी पार्ट पर है अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजी और प्लस फिजिक्स, वहाँ से आपका है जो 20 क्वेश्चन है जो वहाँ से पकड़ा जाएगा। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि आप इस एरिया पर ही फोकस करें। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बार आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस बार है जो करीब 6 लाख कम से कम है जो अभ्यर्थी है जो शामिल होंगे, 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, 6,02,000 के आसपास है जो, और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1,82,000 है। तो निश्चित रूप से है जो टफ फाइट कंपटीशन है, लेकिन आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए तो निश्चित रूप से है जो सफलता के पात्र होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जरूर है जो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक।